Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 29th of November 2019. So, 29th November 2019 ka news analysis dekhenge. Before we start, these are the questions for you today. First question is, who was the Sultan of Delhi Sultanate when Taimur invaded India in 1398? तो एक तो आपको एक फैक्ट पता चला कि तैमूर लंग जिसने इन्वेड किया इंडिया को कब किया था, 1398 में किया था. फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, बेसिकली कुछ समय इंडिया का सुल्तान कौन था दिल्ली का, बेसिकली दिल्ली सल्तनत का. ऑप्शन आर महमूद शाह तुगलक, ए बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी वॉज आराम शाह, या डी घियासुद्दीन बलबन. क्वेश्चन नंबर टू इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स. इनमें से किस ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. ऑप्शंस आर ए गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर, बी राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल या मिजोरम, सी यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, या डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. तो इनमें से किस ग्रुप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज एडेड इन टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में जुड़ा. तो ऑप्शन आर ए फेडरल, बी सोशलिस्ट, सी सॉवरेन, या डी रिपब्लिक. दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे. प्लीज डू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मैं एंड में आपको आंसर्स इनके जरूर प्रोवाइड कर दूंगा. लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज है, गूगल वॉन्ड 500 इंडियंस ऑन फिशिंग. लगभग 500 इंडियंस को फिशिंग के रिगार्डिंग गूगल ने वार्निंग दी है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस न्यूज आइटम में है वो है फिशिंग. व्हाट इज दिस फिशिंग कॉल्ड? तो फिशिंग बताता हूँ, एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है. देखो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होता है फिशिंग. जैसे क्या होता है कि दे विल क्रिएट अ लुक अलाइक वेबसाइट. दे विल क्रिएट अ लुक अलाइक वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फेसबुक है, ये फेसबुक है. अब इसका एग्जैक्ट लुक अलाइक पेज, एक HTML पेज वो बना देंगे, सेम FB जैसा ही पेज दिखेगा जैसा आपका फेसबुक दिखता है. तो जब भी आप ये खोलोगे तो इसकी जगह आपको इसकी लिंक वो दे देंगे, ये ओपन कर देंगे. आपने जैसे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला, यूज़र नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है. एज सून एज यू पुट यूजर नेम पासवर्ड देयर, दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी रीडायरेक्टेड टू देम. उनका जो डेटाबेस होगा वहाँ पे वो पासवर्ड स्टोर हो जाएगा और आपके पास एक एरर का पेज खुल जाएगा. तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब पेज नहीं खुला, लोड नहीं हुआ, बट आपका इन्फॉर्मेशन तो जैसे ही आपने पुट करके इंटर मारा वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली गई. तो फिशिंग इज बेसिकली अ फ्रॉडुलेंट टेक्निक टू गैदर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम्स, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपकी वो ले लेते हैं. जैसे सपोज आपको अमेजन पे शॉपिंग करनी है, आपको अमेजोन पे जाना है शॉपिंग करनी है, दे विल क्रिएट अ लुक अलाइक पेज ऑफ अमेजन. मतलब वो अमेजन होगा नहीं बट आपको अमेजन जैसा दिखेगा, मतलब रिबॉक ना हो कि रिबुक होगा वो पेज बेसिकली. और आपको लगेगा अमेजन है, आपने कोई एक चीज़ कार्ट में ऐड की और आपने पेमेंट करने के लिए वहाँ पे पेमेंट के लिए अपना कार्ड नंबर, अपना CVV सब डाल दिया. पेमेंट नहीं होगी बट वॉट विल हैपन इज दैट दैट इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन देयर डेटाबेस और फिर वो आगे जाके उसका मिसयूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लिखा है कि इट ऑफन डायरेक्ट्स यूजर टू इंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एट अ फेक वेबसाइट विच मैचेज द लुक एंड फील ऑफ द लेजिटिमेट साइट. तो लेजिटिमेट साइट की एक फेक वेबसाइट बना देते हैं, लेजिटिमेट साइट की एक फेक वेबसाइट बना देते हैं, यही फिशिंग कहलाता है. मतलब बाकी टेक्निक्स तो ठीक है लेकिन एग्जैक्टली फिशिंग का जो मतलब होता है वो यही होता है कि लेजिटिमेट वेबसाइट की एक फेक वेबसाइट बना देना और उस फेक वेबसाइट पर जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को इंटर करेंगे तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी जो गलत लोग हैं, एंड दे विल मिसयूज दैट इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज फिशिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. इसको याद रखिएगा. लोकसभा पासेस बिल टू रेगुलराइज द दिल्ली कॉलोनीज. अब क्या है, बेसिकली लगभग 40 लाख लोग दिल्ली के ऐसे थे जो कि ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे थे विच वॉज कंसिडर्ड एज अनऑथराइज्ड कॉलोनी. उसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी माना जा रहा था. नाउ लोकसभा हैज पास्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बिल 2019. तो लोकसभा ने यह बिल बेसिकली पास किया है जिसका नाम है NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बिल 2019 विच विल ग्रांट ओनरशिप राइट्स. अभी क्या करेगा बिल, इनको ओनरशिप राइट्स देगा टू द रेसिडेंट्स लिविंग इन 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज. 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के जो लोग हैं उनको रेसिडेंट के ओनरशिप के राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. And this bill was passed and this will impact and this will help nearly 40 lakh residents of Delhi. जो कि 40 लाख लोग residents हैं Delhi के, उनको ये मदद करेगा. So this was the news item.
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें थी जो फ्रंट पेज से थी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। लेट्स सी, यहाँ फास्टैग के बारे में लिखा है न्यूज़। देखो, केओस एट खेरकी धौल खेरकी धौला टोल प्लाजा एज फास्टैग डेडलाइन नियर्स। अब यहाँ पे न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फास्टैग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फास्टैग क्या है बेसिकली? इट्स अ रीलोडेबल टैग, एक रीलोडेबल टैग है विच अलाउज मल्टीपल ऑटोमेटिक डिडक्शन एट टोल प्लाजाज विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट द कैश ट्रांजेक्शन। देखो, टोल प्लाजा आपको पता है ना, जैसे लिखा रहता है कि वेलकम टू MMRDC मुंबई, आपका स्वागत करता है ऊपर। अरे यहाँ पे अलग अलग टोल प्लाजाज के अलग अलग गेट्स बने रहते हैं, मतलब वहाँ पे आप इस तरह से बैरियर रहेगा, देर विल बी अ बैरियर, जहाँ आपकी कार जाएगी तो वो बैरियर नीचे आ जाएगा एंड यू हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट। बेसिकली वो टोल, वो रोड का टैक्स होता है, जो रोड आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको बनाने में जितना खर्चा है वो खर्चा वसूलते हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स एंड ऑल, तो दे रिसीव बैक देयर मनी थ्रू दैट टोल ओनली। तो वो टोल कलेक्शन का जो राइट होता है वो गवर्नमेंट उनको देती है, इसको TOT प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने कई बार बताया भी कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल कहलाता है, कि लगभग 30 सालों तक के लिए टाइम पीरियड के लिए वो टोल को कलेक्ट करेंगे और फिर ये जो राइट्स हैं वो वापस से NHAI को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टोल जो कलेक्ट करते हैं प्राइवेट ओनर्स या जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी गाड़ी रुकनी पड़ती है आपको और आपको कैश निकाल के देना पड़ता है। व्हेन यू गिव दैट कैश दे गिव यू सम, मतलब उसका चेंज, दे विल गिव यू दैट चेंज एंड एक रसीद देंगे, उसके बाद वो खोलेंगे। तो इन सारी झंझटों से हटने के लिए एक फास्ट टैग बनाया गया था, रीलोडेबल टैग बना दिया गया जो आपकी गाड़ी में लगा रहेगा, और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसका नाम है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये कार है आपकी, ये आपकी कार है ना, सपोज दिस इज़ योर कार। इस कार में यहाँ पे सपोज एक टैग लगा हुआ है, फास्टैग टैग लगा हुआ है, तो जैसे ही आप ये टोल के करीब पहुँचे तो यहाँ पे RFID रहेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वो इस टोल को, वो इस कोड को रीड करेगा और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो आपको पैसा कैश में नहीं देना पड़ेगा, वाइड स्क्रीन में आपके गाड़ी का नंबर दिखाई देगा और वहां से वो कलेक्शन हो जाएगा एंड विदाउट यूजिंग द कैश यू विल बी एबल टू पास थ्रू दैट टोल प्लाजा, आपका कलेक्शन अपने आप वहां से कट जाएगा। तो इसमें जो टेक्निक होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें कि रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर द इन्फॉर्मेशन। क्या करती है वो रेडियो वेव्स जो रहती हैं, वो उस टैग से इन्फॉर्मेशन निकालती हैं, जो आपका टैग लगा ना आपकी गाड़ी में वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। टैग जो वैलिड रहेगा, दैट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इट कम्स इन 7 different colors, 7 अलग अलग कलर्स में आता है, जिसमें वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्लैक, ये अलग अलग कलर्स हैं जो कि असाइंड होते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स। अलग अलग कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स में ये 7 category के व्हीकल्स के लिए 7 अलग अलग कलर्स को यूज़ किया जाता है। रोल आउट हुआ था ये अप्रैल 2016 में, फिर गवर्नमेंट ने बाद में मैंडेटरी बना दिया कि 1 दिसंबर 2017 से जो गाड़ियां रहेंगी उनमें फास्टैग अपने आप फिट रहेगा। सो दिस इज द स्टोरी सो फार, फास्टैग की भी स्टोरी अभी तक की आपको समझ में आ गई, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़रूरी है, UPSC पूछ सकता है, टेक्निक GS3 में पूछ सकता है, GS2 में पूछ सकता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो है PIL। बार बार हम लोग सुनते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL रोज आता है, बट मैंने सोचा कि आज एक बार और क्लैरिफाई कर दूँ ताकि लोगों को जिनको नहीं पता है पता चल जाए। तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। ये एक एग्रीव्ड पार्टी के लिए कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो एग्रीव्ड पार्टी द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सपोज कोई अगर ऐसी पार्टी है जिसका फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है, बट वो पार्टी अपने आप ना जाके कोई दूसरा उनके बेसिस में उनके रिगार्डिंग एप्लीकेशन अगर कोर्ट में डालता है तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बचाने की बात की। इनफैक्ट मिड डे मील, अगर हम बात करें मिड डे मील जो स्कीम है, वो भी एक PIL का ही रिजल्ट है, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ अ PIL। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फोर्स करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स करने के लिए PIL का यूज़ किया गया है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है PIL का वो यही है कि इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल, जस्टिस एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल, जो किसका बेसिकली एक कंसेप्ट होता है कोर्ट्स में, कोर्ट वो कहलाता है लोकस स्टैंडाई। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, लोकस स्टैंडाई ये क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि जो एग्रीव्ड है वो अपने आप कोर्ट में जाए। ओके, इसमें क्या होता है कि द पर्सन
हु इज एग्रीव्ड ही शुड फाइट फॉर हिज राइट्स, मतलब वही पिटीशन करे अपने राइट्स का। लोकस स्टैंडाई मतलब कि जो व्यक्ति एग्रीव्ड है वही पर्सन अपने राइट्स के लिए पिटीशन फाइल करे। बट PIL के आने के बाद ये लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट है ये डाइल्यूट हो गया, मतलब कि दूसरे लोग भी, इट वॉज नॉट मैंडेटरी अंडर PIL फॉर द एग्रीव्ड टू गिव दैट पिटीशन। मतलब कि ये लोकस स्टैंडाई के जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं, दैट इज वेरी गुड कि जो एग्रीड है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, टूल्स नहीं है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो जा सकते हैं, उनके बिहाफ में कोई और जा सकता है। सो दैट इज वेरी गुड थिंग अंडर PIL कि लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा डाइल्यूट इसने किया। एनी इंडियन सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंडियन सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी इंडियन सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोर्ट में जा सकती है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो कौन कौन से कोर्ट्स में जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स में जा सकती है अंडर आर्टिकल 226, एंड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द CRPC। सॉरी, CRPC के सेक्शन 133 के अंतर्गत ये किसी भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में भी जा सकती है। इसका जो सबसे पहले, जब सबसे पहले जो ये हुआ था स्टार्टिंग, वो था कपिला हिंगोरानी ने पिटीशन फाइल किया था 1979। कपिला हिंगोरानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको हुसैन आरा खातून केस ही बोलते हैं। हुसैन आरा खातून केस अगर कभी UPSC प्रीलिम्स से पूछता है कि इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, तो याद रखिएगा कि ये PIL से, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है। हुसैन आरा खातून केस एंड हिंगोरानी, कपिला हिंगोरानी ने फाइल किया था ये, एंड दैट केस वॉज लेड बाय जस्टिस PN भगवती। बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब अगर कहना चाहिए कि अगर जजेस के नाम में कोई फेमस नाम है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो है PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। तो हुसैन आरा खातून केस कपिला हिंगोरानी 1979 फाइल्ड एन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड इसमें लगभग 40,000 अंडर ट्रायल्स जो पटना की जेलों में थे उनको छुड़ाने के लिए ये PIL की गई थी। अब जस्टिस PN भगवती ने बाद में VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के साथ मिलके, ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू, मतलब फर्स्ट जस्ट टू कंट्री इन द कंट्री टू एडमिट द PILs। PIL लेने की जो प्रथा थी स्टार्ट की जस्टिस PN भगवती प्लस जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। दिस वॉज द हिस्ट्री रिगार्डिंग PIL एंड दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग PIL। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें, और नई, जिसको नहीं पता रही होंगी उनको नई चीज़ें पता चली होंगी। ब्लेज हैरिसन्स पार्टिकल्स विंस गोल्डन पीकॉक एट 50th IFFI। अब आपको पता है कि IFFI का मतलब क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पर होता है? ये होता है आपका पणजी, गोवा में होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो कहलाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, अगर आपसे UPSC प्रीलिम्स क्या क्वेश्चन पूछेगा, गोल्डन पीकॉक अवार्ड एक तो किसको मिला था, तो मैंने बता दिया आपको, ब्लेज हैरिसन की मूवी है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नाम की मूवी है, ब्लेज हैरिसन की मूवी है, इट हैज़ वॉन द अवार्ड ऑफ गोल्डन पीकॉक। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गोल्डन पीकॉक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गोल्डन पीकॉक इनमें से किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है UPSC में। तो वहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ये इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग। गोल्डन पीकॉक एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इसलिए वो बताना ज़रूरी था आपको, याद रखना चाहिए ये फैक्ट भी, याद रखना चाहिए। नॉड फॉर डिफेंस परचेज वर्थ 22,800 करोड़, तो लगभग 22,800 करोड़ का डिफेंस परचेज इसके लिए, मतलब इसके एक्विजिशन के लिए क्लियरेंस मिल गया है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार फिर बताता हूँ कि जो डिफेंस की परचेजेज होती हैं, जो डिफेंस की परचेज होती है, यानी कि डिफेंस का जो एक्विजिशन होता है, उसको एक काउंसिल करती है, अप्रूवल देती है, वो काउंसिल कहलाती है, क्या कहलाती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC। जो डिफेंस की जो परचेजेस होती हैं, डिफेंस की जो खरीदारी होती है, उसको करने के लिए काउंसिल होती है रिस्पॉन्सिबल, वो काउंसिल कहलाती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC कहलाती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो UPSC पूछ सकता है, वो जो पूछा भी हुआ क्वेश्चन है कि DAC को हेड कौन करता है, हु मतलब लीड्स DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन होता है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर होता है। इसी तरीके से मैंने एक और फैक्ट आपको बताया था कि CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हेड कौन होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हेड कौन होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये उनमें से कोई भी आ सकता है कभी भी, ठीक है ना। अब एक्विजिशन की काउंसिल को चेयर किसने किया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की चेयर को, उसको काउंसिल का हेड किया राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना। इसमें दो बेसिक जो आर्टिलरी थी वो इंक्लूड की गई, जिसमें की है 6 एडिशनल P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट, P-81 नाम के लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि कहाँ से आएंगे, US से आएंगे फॉर नेवी, एंड एडिशनल इंडिजिनस एयरबॉर्न सिस्टम भी लेने की बात की गई। तो पहली जो चीज़ है वो क्या ली गई,
P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो अगर यूपीएससी पूछता है कि P-81 वॉज इन न्यूज P-8I, सॉरी इट्स नॉट P-81, इट्स P-8I, सॉरी 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 फॉर द मिस्टेक, याद रखिएगा इट्स P-8I। तो अगर आपसे कोई अगर पूछे यूपीएससी कि P-8I वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है, वॉट इज दिस P-8I, तो आपको याद रखना है इट्स अ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। और अगर ये पूछे कि किस कंट्री से ले रहे हैं हम, तो हम USA से ले रहे हैं फॉर द नेवी। ओके तो ये याद रखिएगा, दीज आर द थ्री फैक्ट्स, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। P-8I क्या है, लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, कहाँ से ले रहे हैं, USA से ले रहे हैं फॉर द नेवी। दूसरा जो सिस्टम है वो है AWACS, यानी कि एयरबॉर्न एडवांस्ड इंडिजनस सॉरी एडिशनल इंडिजनस एयरबॉर्न एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक्चुअली है एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका पूरा नाम है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये भी हम लेने की बात कर रहे हैं फॉर द इंडियन एयरफोर्स, तो नेवी के लिए हम ले रहे हैं P-8I और एयरफोर्स के लिए हम ले रहे हैं एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू ऐड। एंड यहाँ पे P-8I के बारे में देखो लिखा है कि DAC अप्रूव्ड 6 P-8I नेवी यूज़ करेगी, है ना, नेवी इसको यूज़ करेगी। एंड एयरक्राफ्ट्स आर पार्ट ऑफ 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन, इसका पार्ट है ये। एंड ये लोकेटेड है एराकोनम इन तमिलनाडु में, लोकेटेड है अराकोनम तमिलनाडु में। एंड P-8I जो होता है इट्स अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होता है ये, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बोइंग 737 कमर्शियल एयरलाइनर, उसके जैसा ही होता है, बट याद रखिएगा ये मैरीटाइम सर्विलेंस का काम करता है, मैरीटाइम सर्विलेंस का काम करता है। उसी तरीके से हम AWACS यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो ये इंडिया में ऑलरेडी हमारे यहाँ लोकेटेड है, कौन से हैं इंडिजिनसली कौन लोकेटेड है, नेत्रा, नेत्र बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई अभी UPSC ये भी पूछ सकता है व्हाट इज दिस नेत्रा, नेत्र वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस, तो इट इज ऑल्सो एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ही है, ये भी एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम ही है, उसके साथ ये अलग से हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम फैल्कन A-50 भी यूज करते हैं एयर वार्निंग के लिए, इसराइल का है फैल्कन A-50, वो भी यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग डिफेंस के जो नाम से ना, इनको भी याद रखना है ना, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, फिर नेत्रा मैंने आपको बता दिया, एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को नेत्र भी बोलते हैं, देन इसराइल से हमने फैल्कन A-50 भी लिया था, दैट इज ऑल्सो एन एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वो भी यही है ना, तो याद रखिएगा। और जो मैंने लास्ट न्यूज़ में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बताया था, देखो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आ गया, कौन इसको हेड करता है, इसको PM हेड करता है, तो ये भी याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, एंड आपको याद हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग वाइडिंग गैप। तो वाइडिंग गैप बेसिकली ये एमिशन गैप रिपोर्ट के ऊपर है। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सबसे पहला फैक्ट जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है वो है एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। नाम से ही क्लियर है कि एमिशंस में जितने एमिशन, मतलब आपको जितना कंट्रोल करना था उतना नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा एमिशन हो रहा है और उसमें गैप आ रहा है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है। अब बात क्या हो रही है, बेसिकली हुआ ये है कि अभी UNEP ने ये पता किया, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये किया कि आपने पेरिस क्लाइमेट डील में ये तो बोल दिया कि हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रोकना है या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको टेम्परेचर को रोकना है, बट उनका ये कहना है कि अगर आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना था टेम्परेचर को, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए था वो ये था कि 2020 से 2030 के दौरान, 2020 से 2030 के दौरान आपका जो नेट रिडक्शन होना चाहिए वो 7.6% होना चाहिए पर ईयर, मतलब आपका जो एमिशन है वो 7.6% की दर से हर साल कम होना चाहिए था, मतलब अगर 100% हो रहा है तो अगले साल 92.4% ही होना चाहिए, है ना, फिर अगले साल और 7.6% माइनस कर दो। तो ऑथर ने कहा है कि मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पे गैप आ गया है और यहाँ पे जो रिडक्शन है वो बहुत, मतलब रिडक्शन नहीं है, ठीक है ना, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि 2020 से 30 के दौरान अगर उनको टेम्परेचर मिनिमाइज करना था तो उनको 7.6% पर ईयर की दर से अपना एमिशन कम करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ का एमिशन तो और ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो ये भी बात है। हुआ व्हाट आर द मेजर एमिटर्स आर डूइंग, रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि ट्रंप गवर्नमेंट जो है इट हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील, तो पेरिस डील से बाहर ही आने की बात कर रहे हैं, तो एक तो एमिशन घट नहीं रहा, दूसरा जो बड़े से सबसे बड़ा पॉल्यूटर है वो है USA और वही एग्रीमेंट से बाहर आने की बात करता है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग।
देन यू वी है वेयर पब्लिक प्रेशर टू एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन हाई इज वर्किंग ऑन लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट नेट जीरो एमिशन. ईयू जो है वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पे काफी ज्यादा पब्लिक प्रेशर है, तो वहां पे जरूर लेजिस्लेशन लाने की बात की जा रही है जिसमें नेट जीरो एमिशन है, ठीक है ना. UK, which is responsible for a large share of historical emissions, has turned its net zero 2050 goal into a legal requirement. तो net zero 2050 goal UK ने भी लाने की बात कर दी है and वहाँ एक legal requirement बन जाएगी. What India can do? हम क्या कर सकते हैं? We can invest in renewable energy. सबसे पहले तो ये आपका mains में GS3 के लिए भी एक बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और emissions को रोकने के लिए. तो first is we can scale up our investment in renewable energy. दूसरा हम कर सकते हैं कि वी कैन गेट मोर क्लीन टेक्नोलॉजीज इन बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, तो और ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. देन ग्रेटर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जरूरत है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है आपको बता देता हूँ. देखो कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर हम इस कार्बन को एब्जॉर्व कर लें, इस CO2 को एब्जॉर्व कर लें यानी कि सिंक कर दें कहीं पे, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है. आप एमिशंस को अगर हो गए हैं तो उनको वापस अगर जो एब्जॉर्व करने की या उसको कहीं पे फिक्स करने की जो प्रोसेस कहलाती है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है, तो ये याद रखिएगा. देन वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान टू रिटायर कोल पावर प्लांट्स. हमको कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स को रिटायर करने की जरूरत है. वी शुड इन्हांस एम्बिशन ऑन एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है. देन एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमी वाइड ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्ट्रेटजीज. तो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है. देन वी शुड ऑल्सो एक्सपैंड मास ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है. तो दीज आर द मेजर्स विच आर सजेस्टेड. ये मेजर्स सजेस्ट की गई हैं एंड अगर ये आप आंसर राइटिंग में लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं. नॉट एज यू से बट एज यू डू. ना ये जो एडिटोरियल है बहुत प्यारा एडिटोरियल है, चार पॉइंट ही बताऊंगा इसमें और वो चार पॉइंट मोर देन इनफ होंगे. ये है बेसिकली इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर कि हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है वो फेल हुई है, बहुत अच्छे से काम नहीं किया है. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. तो यूपीएससी डायरेक्टली आपसे GS2 पॉलिटी में क्वेश्चन पूछेगा, GS2 का क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी. दिस कैन बी अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे रहा हूं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी. क्यों दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई आवर नेबरहुड पॉलिसी इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट शुड हैव बीन. ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर आप लिखिएगा. आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लिखिएगा, ठीक है ना. देखो चार ही पॉइंट बोले हैं. सबसे पहला जो रीजन है क्यों इफेक्टिव है कि बिटर हिस्ट्री विद मेनी ऑफ द रूलिंग लीडर्स. तो अगर हम अपनी प्रेजेंट हिस्ट्री देखें तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा मीठी नहीं रही है, मतलब कि आवर हिस्ट्री वाज वेरी बिटर विद फॉर एग्जांपल श्रीलंका का. अगर हम करंट प्राइम मिनिस्टर का देखें 2014-15 में जो इलेक्शंस हुए वहां पे, तो वहां पे एलिगेशंस हुआ कि रॉ ने इंटरफेयर किया था श्रीलंका के इलेक्शंस में. तो राजपक्षास के साथ हमारी जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा बिटर है. तो एक पहला रीजन तो ये कि हमारी जो हिस्ट्री है विद द रूलिंग लीडर्स दैट इज वेरी बिटर, इस कारण से भी हमारा इफेक्टिव नहीं. तो देन मिस्टर ओली की अगर हम बात करें जो नेपाल में है, तो उनके साथ भी हमने ब्लॉकेट 2015 में लगाया जब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ नेपाल का, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिटर हिस्ट्री. तो नेबरहुड में हमारी अप्रोच जो है वो थोड़ा बिटर रही है. दूसरी लैक ऑफ फंडिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया देखो वादा तो जरूर करता है श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इन सब जगहों पे कि हम पैसा देंगे, बट एक्चुअली में हम देखें तो हम पैसा देते नहीं है ना. तो आवर फंडिंग हैज बीन वेरी लेस इन दीज कंट्रीज. तो हम वहाँ ही बात को कोई सीरियसली नहीं लेता इस कारण से, ठीक है ना. तो हम मुगेरी लाल के सपने उनको जरूर दिखाते हैं बीच बीच में कि हम इतना लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, इतना पैसा देंगे, बट वी डू नॉट एक्चुअली प्रोवाइड द मनी. तो बेसिकली इंडियंस का भी एटीट्यूड यही होता है कि जरूरत पड़े तो जरूर बताना है ना. हम लोग बोलते नहीं कि जरूरत पड़े तो बताना, और जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन आदमी सबसे पहले गोल होता है. तो ये अप्रोच भी हमारी नेबरहुड में रही है. दैट इज अनदर रीजन, लैक ऑफ फंडिंग फ्रॉम इंडिया, दैट इज द रीजन व्हाई अवर मतलब हमारी बात कोई नहीं सीरियसली लेता है, ठीक है ना. और अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में, तो ये वाली अगर चीजें देखो, तो यहाँ पे भी हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता रहा, मतलब घटता ही गया, कोई बढ़ा नहीं है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज देयर. तीसरा अगर हम देखें रीजन क्या है कि हमारी नेबरहुड पॉलिसी फेल होने का, या हमारे हमारी बात को लोग सीरियसली नहीं लेते, वो रीजन है चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया इन द रीजन. चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रीजन में बढ़ गया है. तो अगर हम राजपक्षास की बात करें, श्रीलंका की बात करें या नेपाल की बात करें, तो ये दोनों चाइनीज प्रो चाइनीज होते जा रहे हैं, चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं. तो उसका रीजन है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है रीजन में. OBOR को ले लो, चाहे आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ले लो, तो ये सारी चीज़ों से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है.
फिर हम बात करें जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है इंडिया के इंटरनल मैटर्स की, कि हम दूसरों को पीस और डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं लेकिन हम फिर क्या करते हैं, फिर हम आधे घंटे में पूरा जम्मू कश्मीर का इधर से उधर कर देते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। तो इंटरनल ट्रबल्स बहुत सारी इंडिया के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात कर देते हैं, फिर हम अंदर ही अंदर पूरे कंट्री में एनआरसी लाने की बात कर दे रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग हो ही रही है कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर हमारी कहनी और हमारी कथनी में दोनों डिफरेंस होता है, हमारी जो हम कह रहे हैं जो कर रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई आवर नेबरहुड पॉलिसी हैज़ बीन फेलिंग एंड दीज आर द रीजंस व्हाई आवर मतलब हमारी जो बातें हैं उनको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो इट वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल बाय सुहासिनी हैदर, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं ये, अगर आपको नहीं पता तो फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, एंड काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इंडियाज़ फूड बास्केट मस्ट बी इनलार्ज्ड, इंडिया को, इंडिया का अगर रैंकिंग इंप्रूव करना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो कैसे इंप्रूव हो सकता है, उसका इन्होंने सोल्यूशन बताया है ऑथर ने, यहाँ पे सी थॉमस जैकब और एन अनिल कुमार ने बताया कि इंडिया का जो फूड बास्केट है उसको इनलार्ज, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। करंट रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमें रैंकिंग 102 है आउट ऑफ 117, 117 में 102 नंबर पर हम आ रहे हैं, मतलब कि और पीछे नहीं हो सकते थे इसलिए नहीं हुए, नहीं अदरवाइज और पीछे हो जाते हम, ठीक है ना। तो नियरली 47 मिलियन और 4 out of 10 चिल्ड्रन, हर 10 में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो ईटिंग पोटेंशियल या न्यूट्रिशन पोटेंशियल है वो नहीं मैच हो पा रहा है, या वो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन स्टंटिंग की कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए योगदान होगा वो होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर निकालती हैं, जिनका एक नाम है आयरिश एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड दूसरी है जर्मन की आपकी वेल्ट हंगर हाई लाइफ, ओके वेल्ट हंगर हाई लाइफ। तो ये याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हाई लाइफ, ये दोनों मिलकर इसको निकालती हैं। अब अगर इसमें इंडिया में हंगर लेवल को देखा जाए तो वो सीरियस आया है, इंडिया का जो हंगर लेवल है वो सीरियस कैटेगरी का है, ठीक है ना। अब मेजर इंडिकेटर्स क्या क्या हैं जीएचआई के, कौन कौन से इंडिकेटर्स के बेसिस पे बताया जाता है ये इंडेक्स निकलता है, बता देता हूँ आपको। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, हाइट के अपेक्षा उनका वेट अगर कम है तो वो वेस्टिंग कहलाती है, ठीक है ना, ये अंडर न्यूट्रिशन को डिपिक्ट करता है। देन चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब क्या है कि अंडर 5 के वो बच्चे हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब अगर 50 अगर 25 साल का है तो उसकी अगर हाइट 5'6" 5'5" मिनिमम होनी चाहिए तो उसकी जगह 4 फिट का ही हो, तो ये एक स्टंटिंग का केस कहलाएगा, ठीक है ना। देन चाइल्ड मोर्टैलिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी इज द मोर्टैलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 years एज ऑफ एज। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। हंगर डिफाइन कैसे होता है, इट इज डिफाइंड बाय द कैलोरिक डिप्राइवेशन, मतलब जितनी आपकी कैलोरीज चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है, या प्रोटीन हंगर, जितना आपको प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है, बेसिकली डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को चाहिए जो आपको बॉडी को अवेलेबल नहीं होने, फॉर एग्जाम्पल जिंक अगर आपकी बॉडी को चाहिए बट इट्स नॉट देयर, तो ये हिडन हंगर कहलाएगा, ठीक है ना। हंगर कैसे इंपैक्ट करता है लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, क्रॉनिक डिसीजेस को बढ़ाता है, उनका बर्थ वेट कम रहता है, माल नरिश्ड पेरेंट्स के कारण भी ये हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको अफेक्ट करता है। क्या सोल्यूशंस ऑथर ने दिए हैं, पहला है न्यूट्रिशन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ब्रॉट आउट दिस न्यूट्रिशन गार्डन गाइडलाइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इंट्रोड्यूस की थी, जो क्या इंकरेज करता है, इको क्लब्स स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है। तो उसमें क्या बोला गया बेसिकली कि आप टोपोग्राफी के हिसाब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखो कि किस जगह पे किस तरीके के फ्रूट्स और किस तरीके की वेजिटेबल्स आ सकती हैं, फिर उनको प्रमोट करो वहाँ पे, ठीक है ना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस तरह के न्यूट्रिशन गार्डन्स की बात की गई कि आप टोपोग्राफी के हिसाब से पता करिए कहाँ पे किस तरीके का फ्रूट हो सकता है या वेजिटेबल हो सकता है, फिर उसको प्रमोट करिए। देन एग्रो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है, मतलब कि आपको जो फूड बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग स्पीशीज को बढ़ाने की जरूरत है, खाना आपको एक तरीके का नहीं खाना है, उसे मिक्स कर करके खाना है, आज इसकी दाल खा ली कल उसकी दाल खा ली, ताकि आपको हर तरीके के जो प्रोटीन्स विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते जाएं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा पार्ट है ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अगर आप अलग अलग डाइवर्सिफाइड फूड्स नहीं लेते हैं फूड आइटम्स तो आपकी पूरी जो नीड्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उनकी वो पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। एंड कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है लोगों को, हिडन हंगर के बारे में बताने की जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने की जरूरत है, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा होगा। एक फैक्ट हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में कि पूरे वर्ल्ड में
37 साइट्स हैं विच आर डेजिग्नेटेड एज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स सिस्टम्स, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अक्रॉस द वर्ल्ड देर आर 37 साइट्स जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स में आते हैं, GIHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ये फैक्ट लिख लेना अपने कॉपीज में, ये प्रिलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि उन 37 साइट्स में इंडिया की भी 3 साइट्स हैं जिनमें कश्मीर है सैफरन, कोरापुट है फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड कुत्तानाद है फॉर बिलो सी लेवल फार्मिंग। तो ये 3 जो है वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर आता है। तो जो सैफरन कल्टिवेशन कश्मीर में होता है, कोरापुट में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और कुत्तानाद में आपका बिलो सी लेवल की जो फार्मिंग होती है, वो सारी इंक्लूडेड है इन दैट ग्लोबली, मतलब जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है उसमें आता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूएन यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखे तो सेकेंड जो गोल है वो एडवोकेट करता है जीरो हंगर को, याद रखिएगा उसको, वो जीरो हंगर को एडवोकेट करता है, ठीक है ना। तो जीरो हंगर के लिए हमको अगर काम करना है तो इस तरह से एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमिशन आपको बताना जरूरी था। रिमिशन का मतलब बता देता हूं मैं, जस्ट रिमिशन, रिमिशन यानी परिहार, हिंदी में बोलते हैं परिहार, मतलब कि जो आपकी पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर चेंज किए बिना अगर आप उसको थोड़ा कम कर देते हो तो फिर वो रिमिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है रिग्रस, 2 years rigorous imprisonment is there, अगर you convert this into 1 year rigorous imprisonment, 1 year rigorous imprisonment में अगर आप convert कर दो तो ये कहलाता है क्या, remission। remission का power जैसे state governments को भी रहता है, state government के पास रहता है, central government के पास रहता है, governor के पास रहता है ना, तो ये आपका remission हो गया यानी कि परिहार हो गया। important article नहीं है, आप एक बार पढ़ के देख लेना, but that is not a very important article, मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका आपको क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में, ठीक है ना। So we can safely move to the next pages. US cuts spending on NATO budget, Germany to pay more. तो US ने क्या किया, basically अपना जो NATO पे spending था उसको थोड़ा कट किया है, Germany ज़्यादा pay करेगा। तो NATO क्या है उसके बारे में बताता हूँ। NATO basically stands for North Atlantic Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organization के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज़ एन intergovernmental military alliance, इट्स अ military alliance, intergovernmental military alliance है, और ये साइन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को ये साइन हुआ था। हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो पहला तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है कि नेटो प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन टू डिफेंस मैटर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर में ये पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंस्ट्राइन करते हैं और कंसल्ट एंड कोऑपरेट करते हैं। दूसरा मिलिट्री अलायंस है, तो नेटो जो कमिटेड है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स में, और अगर एक कंट्री पे नेटो लेड कंट्री पे अटैक होता है तो फिर ये सारे मिलकर अटैक करते हैं, ठीक है ना। ये देखो इनका कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है नेटो का, जो कि आर्टिकल 5 है वाशिंगटन ट्रीटी का, वाशिंगटन ट्रीटी आर्टिकल 5। तो ये बोलते हैं मतलब कि अगर एक कंट्री के साथ कुछ ऐसा हो रहा है डिफेंसिवली तो सारी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आर्टिकल 5 है वाशिंगटन ट्रीटी का इनका, ठीक है ना। तो नेटो के बारे में आपको बताना जरूरी था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। इसके बाद कोई न्यूज आइटम नहीं है, सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।